हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज का जो ये जो वीडियो है ये बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा और बहुत ही अलग टॉपिक पे होने वाला है, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और लास्ट में मेरे वीडियो पर कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, आपके बहुत ज़्यादा बाल रूखे हैं, बहुत बाल ड्राई रहते हैं या बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग फेनुग्रीक सीड हेयर मास्क यूज़ करिए। तो फेनुग्रीक हेयर सीड मास्क कैसे बनेगा आप देखिए। आपको मेथी दाने जो होते हैं, मेथी दाने का पाउडर ले लेना है। आप चाहें तो मार्केट से पाउडर ख़रीद सकते हैं, वरना घर पर भी बना सकते हैं। घर पर बनाने के लिए आपको फेनुग्रीक सीड लेनी है, यानी कि मेथी दाने लेने हैं और उसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है। मेथी दाने में बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट बहुत होता है, और जिससे कि हमारे बालों में जो ड्राइनेस होती है, हमारे बाल मजबूत होते हैं, बालों की ड्राइनेस दूर हो जाती है, डैमेज्ड हेयर रिपेयर हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, 1 टेबल स्पून मेथी दाने का पाउडर ले लेना है एक बाउल में, और उसके बाद इसमें ग्रेजुअली यानी कि जितना ज़रूरत हो आपको उतना पानी ऐड कर लेना है। लगभग हो सके तो उसका 3 गुना ज़्यादा पानी ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास अगर टाइम ज़्यादा हो तो आप इसे रात भर के लिए सोक करके रख दीजिएगा, रात भर भिगो करके रख दीजिएगा, वरना आप चाहें तो आधा घंटा भी इसे भिगो करके रख सकते हैं। आधा घंटा भिगो लेने के बाद आपको ये कुछ इस तरह दिखाई देगा, इस तरह। अब इसको आपको करना क्या है, इसको आपको अपने बालों पे अप्लाई करना है। आपको इसे अपने बालों में लगा लेना है। बालों में लगाने के बाद आप इसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए कम से कम 1 घंटा, और 1 घंटे के बाद हेयर वॉश कर लीजिएगा। ऐसा आपको लगभग हर हफ्ते करना है। हफ्ते में 1 दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके बाल जड़ से मजबूत होंगे, आपको पहली बार में ही इसका रिज़ल्ट दिखाई देगा। तो आप इसे अच्छे से बालों में अप्लाई करने के बाद जैसे आप इसे वॉश करेंगे आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।